अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट इमरान शम्स मेहमान। मोहतरम नाजरीन, एक बहुत बड़ी लाट आई है ईरान से मेरे पास। सस्ती नूडल है, ईरानी नूडल है, सिर्फ 310 रुपया नूडल है फी किलो। ये 90-10 नूडल है दोस्तों, आप ये देख सकते हो मेरे हाथ में, ज़बरदस्त चमकदार नूडल है, बहुत हल्की नूडल है। और ये आप इसका मॉइस्चर भी आप चेक कर सकते हो, और प्रेस में कर रहा हूँ, बहुत जोर लग रहा है मॉइस्चर को दबाने में, तो इसका मतलब ये होता है ये नूडल बहुत अच्छी है और ये ज़बरदस्त फिलर उठाएगी। आप जितना फिलर आप डाल सकते हो इसमें डालना। ये देखें, प्योर वाइट नूडल है और ये ग्लिसरीन बेस्ट नूडल है ये दोस्तों, जैसे निमर कपेला है वैसे ही ये नूडल है। तो मिक्सर में मैंने एक बैग ईरानी नूडल डाली है, और ये टेलकम पाउडर है दोस्तों, बिल्कुल फाइन क्वालिटी का, 1000 मैश 15 किलो। आज मैं 15 किलो टेलकम पाउडर डालूँगा एक बैग में, जो मेरी इंपोर्टेड बैग है ईरानी सोप नूडल। किसी भी भाई को सोप नूडल चाहिए वो मुझसे रब्ता कर सकता है, नंबर स्क्रीन पे शामिल है। 15 किलो मिक्सचर में टेलकम पाउडर डालकर अभी हम डालेंगे SLS, सोडियम लायरल सल्फेट। ये झाग के लिए होता है, और आज मैं इसमें एक और केमिकल डालूँगा। ये केमिकल मैंने खुद का बनाया है, इसमें तमाम चीज़ें शामिल हैं। कभी टाइम मिले तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, ताकि आप लोगों को ये केमिकल बनाने में बहुत आसानी हो जाए। तो ये जस्ट एक किलो में केमिकल उसमें डालूँगा, और इसमें कुछ भी नहीं डालूँगा। SLS मैंने डाला है 100 ग्राम, उसके बाद ये एक किलो केमिकल मैं अपने जग में डाल रहा हूँ। मेरे जग तुले हुए, आप तोल के डालना, फिर भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो अभी इसमें मैं कलर डालूँगा ऑरेंज, क्योंकि फ्रूटी सोप बनाना है मुझे ऑरेंज में। तो 25 ग्राम ऑरेंज का कलर मैंने इस केमिकल में शामिल कर दिया है। नाम इसका कोई भी आप देख सकते हो, काफ़ी लोग मुख्तलिफ नाम वगैरह देते हैं, मैंने कोई नाम नहीं रखा। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना मैं इस केमिकल का क्या नाम रखूँ। तो मिक्सचर में मैंने कलर शामिल करके वो केमिकल भी डाल दिया है। आप मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना कि इस केमिकल का नाम मैं क्या रखूं। तो दोस्तों, ये मिक्सिंग अभी हो रही है। 15 किलो टेलकम पाउडर, एक बैग 25 किलो ईरानी सोप नूडल, अभी इसको हम बाहर निकाल रहे हैं मिक्सर में से। ये बाहर निकल रहा है, इसमें मैंने शामिल पानी नहीं किया है, बगैर पानी के किया है। और अभी ये पहला राउंड हमारा दोस्तों स्टार्ट हो गया है प्लॉटर पे, मोटी जाली का, जिसको हम टांगर भी कहते हैं। ये टांगर जाली होती है या मोटी जाली होती है, आप क्या कहते हो वलालम मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। पहले राउंड को आप क्या बोलते हो? तो ये फर्स्ट राउंड हमारा चालू है दोस्तों। जितने भी नए लोग मेरे चैनल पे आए, मेहरबानी करके जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक पहुंच सके और आप इस वीडियो से मुस्तफीज हो सको। तो ये पहला राउंड है दोस्तों मोटी जाली का, हम इसका 2 राउंड चलाएंगे। ये दूसरा राउंड है दोस्तों, ये भी मोटी जाली का है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ मोटी जाली का। पहले राउंड में कलर थोड़ा सा डिम था, अभी जैसे मैंने दूसरा राउंड चलाया है तो ऑरेंज कलर बिल्कुल वाजे होकर सामने आ रहा है। आप देख भी सकते हो, मेरा लड़का एक टब में जो माल उठा रहा था उसका कलर थोड़ा लाइट था, जैसे ही दूसरा राउंड बाहर निकल रहा है प्लॉटर से, तो ये देख सकते हो आप इसका कलर ज़बरदस्त हो चुका है दोस्तों। तो ये दूसरा राउंड है, और इसके बाद ये तीसरा राउंड है जी मच्छर जाली का। ये मच्छर जाली का तीसरा राउंड है दोस्तों, मच्छर जाली के भी हम 2 राउंड करेंगे। पहले 2 राउंड हमने टांगर के किए मोटी जाली के, अभी ये तीसरा राउंड मच्छर का चल रहा है, और इसके बाद 4th राउंड भी हम मच्छर जाली का चलाएंगे। तो जिस दिन दोस्तों ने
अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये मच्छर जाली की रिजल्ट दोस्तों आप देख सकते हो कितनी फास्ट और ज़बरदस्त मच्छर जाली निकल रही है। ये सारा कमाल होता है मशीनरी का, इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ जब तक आपकी मशीनें अच्छी नहीं होगी तब तक आपका साबुन सही नहीं बनेगा। तो ये मच्छर जाली की स्पीड देखें दोस्तों, ज़बरदस्त आउट क्लास की मुंह भर भर के ये मच्छर जाली बाहर निकल रही है। अभी ये जी पांचवा राउंड हम मोटी जाली का चलाएंगे दोस्तों, इसके बाद हम खुशबू मिक्स करेंगे। अगर हम यहीं से मच्छर जाली में खुशबू मिक्स करेंगे मिक्सर में, तो मिक्सर में मच्छर जाली वाली जो नोडल है वो फंस जाएगी और खुशबू अच्छी तरह मिक्स नहीं होगी। तो इसीलिए हम ये मोटी जाली का एक राउंड चलाते हैं ताकि हमारे बार में क्रैक्स भी ना हो, बार में चमक भी आए और खुशबू भी हमारी रग रग में बैठ जाए। तो ये पांचवा राउंड है दोस्तों प्लाटर पे मोटी जाली का। मैंने आज 150 किलो माल बनाया था, तो पहला एक चल रहा है, दो टप ये मेरे भरे हुए और ये 6 इंच का प्लाटर है। ये कंप्लीट सेटअप जो है 6 इंच का मैं आपको 7 लाख रुपए का दूंगा। अभी ये खुशबू इसमें तोल रहे हैं, 250 ग्राम खुशबू हम ऑरेंज की हम डाल रहे हैं, 250 ग्राम मतलब 1%। 100 किलो में 1 किलो, 25 किलो में आप डालोगे 250 ग्राम। मिक्सर में हमने माल डाल दिया है और साथ में मिक्सर को हम चलाएंगे। अभी ये मिक्सर हमारा चल गया और हमने खुशबू इसमें डाल दी। मिक्सर भी हमारा कमाल का दोस्तों होता है, एक दाना एंड तक नहीं बचता है और सेंटर से हर चीज़ निकल आती है। मैं आपको मिक्सर की सूरत हाल भी दिखाऊंगा। अभी ये माल हमारा बाहर निकल रहा है दोस्तों, ये एक्सेस का मिक्सर है 50 किलो वाला, 7 लाख में ये मिक्सर भी होगा। ये देखें एक भी दाना नहीं बचेगा, ऑल टू ऑल माल बाहर निकल आएगा। तो अभी लॉन्ग बार दोस्तों हमारा स्टार्ट हो चुका है, शाइनी लॉन्ग बार, चमकदार लॉन्ग बार, फ्रूटी सोप का लॉन्ग बार। और ये 15 किलो आज हमारा फिलर था ईरानी सोप नूडल में। किसी भी भाई को ये सोप नूडल चाहिए जल्दी से मेरे से वो रब्ता करें ताकि स्टॉक ख़त्म ना हो। अगर स्टॉक ख़त्म हो गया तो उसके लिए फिर मैं माजरत, आज ईद का एक दिन पहले मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। इंशाल्लाह जैसे ईद के बाद मार्केट खुलेगा तो ये तकरीबन मेरे पास 1000 बैग है, इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएंगे। सो जो पहले आए पहले पाए पे ये काम होगा। ये वायर कटर पे हमारा प्रोसेस था, अभी पंचिंग का प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये साबुन पंच हो गई है, मैनुअल पंच है, ये भी 7 लाख में शामिल है। अभी मैं आपको साबुन दिखाऊंगा दोस्तों। ये पहला साबुन है, पहला ही साबुन हमारा ज़बरदस्त निकला है, आउट क्लास इसकी कटिंग है, VIP इसकी चमक है। और ये साबुन, ये थोड़ा सा दाग आ गया क्योंकि ये पहला साबुन है, कह रहे कोई मसला नहीं है, टाइम की किल्लत है। अभी हम साबुन को तोलेंगे और देखेंगे साबुन का वज़न कितना आ रहा है। दोस्तों मुझे 100 ग्राम का साबुन चाहिए था, अभी देखते हैं क्या आ रहा है, 104 ग्राम साबुन का वज़न आ रहा है। तो अभी फ्रूटी साबुन हमारा तैयार हो गया है दोस्तों, और ये जायफर के नाम से, किसी भी भाई को साबुन चाहिए मेरे से रब्ता कर सकता है। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, आपका दोस्त आपका भाई इमरान शम्स मेहमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।